फ्रेंड्स, अभी मैं बताऊंगा आपको कि वॉम्बेट वॉलेट में टेलोस को कैसे करना है। ठीक है, टेलोस को कैसे क्रिएट करना है। हमारा वॉम्बेट वॉलेट वही है सेम जो हमने उसको डाउनलोड किया था। अगर आपने नहीं किया तो आप डाउनलोड कर ले, इंस्टॉल कर ले उसको, वॉम्बेट वॉलेट को प्ले स्टोर में जाके। और अब मैं आपको टेलोस जो माइग्रेशन हुआ है, यानी कि हमको टेलोस वॉलेट के लिए क्या करना है। तो हमको सबसे पहले वॉम्बेट वॉलेट में जाना है। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो इसको अपडेट जरूर कर लीजिए फ्रेंड, है ना। तो ये मैंने अपना सीक्रेट पासवर्ड डाल दिया। अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपडेट नहीं करेंगे तो फिर ये टेलोस में माइग्रेट नहीं होगा आपका। ठीक है, एक बार अपडेट कर ले उसके बाद वॉलेट में जाइए। अब आप देखेंगे ये अपडेटेड है मेरा। ठीक है, देखिए ये बता रहा है ई कॉइन ओल्ड और बता रहा है ई कॉइन न्यू। तो ये ओल्ड चेन है, ये न्यू चेन है। ठीक है, अब हमको इसमें वॉलेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए टेलोस में हमको करने के लिए ओल्ड मतलब जो हमने पहले किया था, अब टेलोस के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे हमको न्यू वाले में, ठीक है, न्यू इकॉन में। अगर आपका न्यू इकॉइन नहीं बता रहा है वॉलेट में तो आप उसको वही जैसा मैंने बताया प्ले स्टोर में जाके इसको अपग्रेड कर लीजिए एक बार। ठीक है, अपडेट कर लीजिए इसको, उसके बाद ये दिखा देगा आपका। उसके बाद या तो आप चाहे तो रिसीव या सेंड किसी में भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे रिसीव में किया, योर टेलोस अकाउंट हैज़ नॉट बिन सेटअप येट, प्रोसीड टू सेटअप। यानी कि आपका टेलोस अकाउंट नहीं बना है, आप इसको बनाइए सेटअप को, तो प्रोसीड कीजिए सेटअप में। तो मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओके बटन दबा दीजिए। मैंने ओके दबा दिया। जैसे ही ओके दबाया आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, इम्पोर्ट एक्सिस्टिंग, क्रिएट विथ वॉम्बेट। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप, क्या आप टेलोस अकाउंट बनाना चाहते हैं वॉम्बेट में, या आप पुराने अकाउंट, या आपके पास ऑलरेडी टेलोस का बना है। तो टेलोस का नहीं बना है हमारे पास, तो हमको सिंपल क्या करना है, हमको क्रिएट विथ वॉम्बेट में जाना है, वहाँ क्लिक करना है क्रिएट विथ वॉम्बेट। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे, अब अपना टेलोस का अकाउंट नेम चूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब ये मैंने अकाउंट नेम चूज़ कर लिया टेलोस का, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ आईडी को, है ना। तो इसको हम 12 कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैंने ये चूज़ कर लिया। ये मेरा अकाउंट नंबर 12 कैरेक्टर का होना चाहिए आपका, A to Z और 1 to 5 न्यूमरिक आना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप अपना अकाउंट, कोई भी आईडी रख लीजिए, कोई भी नंबर, अपना नाम लिख के, या अपना आप 12 कैरेक्टर का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस सिंपल है। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, क्रिएट अकाउंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, योर टेलर्स अकाउंट है बिन क्रिएटेड, 1 सेकेंड बना रहे हैं आपका टेल। ये देखिए ये मेरा बन चुका है। ठीक है फ्रेंड, अब उसको मैं कैसे जाके देखूंगा, अब ये यहाँ पे देखिए ये मेरा बन चुका है। ठीक है, टेलोस पे आऊंगा मैं, ये देखिए मेरा बन गया। और मैं ये वाले आईडी, टेलोस अकाउंट पे आने के बाद ये ऊपर जो मेरी आईडी दी है, इसको आईडी को लेके मैं लिंक करूंगा अपने डैशबोर्ड में। सब मेरे से पूछ रहे थे सर लिंक कैसे करना है इसको, तो देखिए मैंने टेलोस कैसे अकाउंट बनाना है आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ लिंक करने का। तो सिंपल है, टेलोस फिर से बता रहा हूँ, ये देखिए ये आपका क्रिएट हो चुका है। यहाँ से ये अकाउंट आपका, जो भी कॉइन आएंगे वो न्यू में आएंगे ई कॉइन। ठीक है, और टेलोस में आपको क्लिक करना है रिसीव करने के लिए। ठीक है, आपको जो आईडी देना है रिसीव करने के लिए, बस ये रिसीव का बटन दबाएंगे तो ये देखिए आईडी क्रिएट हो गई, ऊपर मेरी ऊपर दिख रही है जो अभी हमने क्रिएट की। वो आईडी को, इसी आईडी को शेयर करना है आपको, और इसी आईडी को आपको डैशबोर्ड में जाके वहाँ पे लिंक करना है। जो लिंक का जो नीचे बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसको एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर देंगे और वहां से लिंक का बटन दबा देंगे तो लिंक हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप किस में आएगा। और जैसा कि मैं बताऊं आपको, ये जो वॉलेट दिया है टेलोस के लिए, तो टेलोस में हमको यहाँ पे अपनी टेलोस की वॉलेट आईडी यहाँ पे डालनी है और लिंक का बटन दबाना है, तो ये हम लिंक हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो
तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यूएस वॉलेट काम आएगा कि नहीं, तो अभी यूएस वॉलेट का अभी ऐसा कोई वो नहीं आया है कि इन लोग इसको क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ टेलोस में माइग्रेशन किया तो आप टेलोस को यूज कीजिए, ठीक है। टेलोस को करने के लिए भी सिंपल सेम प्रोसेस है, आपको वॉम्बेट वॉलेट में ही करना पड़ेगा। सेम ही आपको कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोगों की कि सर टेलोस के लिए कुछ हमको और नया वॉलेट बनाना पड़ेगा क्या, वो नहीं कुछ नहीं बनाना, आपको सेम वॉलेट जो आपको वॉम्बेट वॉलेट जो आपने बनाया है वॉम्बेट वॉलेट में ही टेलोस का चेन रहेगा, उसी में होना बस। सिंपल है दोस्तों, ये इस तरीके से हमको टेलोस अकाउंट बनाना है, और कोई आपका डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, उसका आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।